गाइस अमेजोन ऐप में अगर आप अपने बैंक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं गाइस, वो भी नए तरीके में। अभी गाइस न्यू अपडेट आया है, उसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा। 2024 की प्रोसेस है गाइस ये। तो बैंक अकाउंट को डिलीट करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले हम यहाँ पर अपने अकाउंट वाले ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को डिलीट करते थे, लेकिन अभी गाइस न्यू प्रोसेस के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर अपनी अमेजोन पे पर क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से आज हम अपने बैंक अकाउंट को डिलीट करने वाले हैं। तो आपको अमेजोन पे पर क्लिक करना है। अमेजोन पे पर जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइस, आपके अमेजोन पे का बैलेंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, आपकी अमेजोन पे की यूपीआई आईडी आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी आपकी यूपीआई आईडी है गाइस। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको अपनी जो यूपीआई आईडी देखने को मिल रही है गाइस, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से हम अपने बैंक अकाउंट को डिलीट करेंगे गाइस। तो आपको अपनी अमेजोन पे यूपीआई पर क्लिक करना है। अमेजोन पे यूपीआई पर आप जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, अभी आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। लाइक गाइस, इसमें आप किसी को भी सेंड मनी कर सकते हो या रिसीव मनी कर सकते हो, अपने क्यूआर कोड को यहां से देख सकते हो, अपना जो रुपए क्रेडिट कार्ड है उसे ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको गाइस थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, क्योंकि आपको जो लिंकेड बैंक अकाउंट है वो आपको नीचे ही देखने को मिलेगा, जो कि आप देख ही सकते हो गाइस, यूर लिंकेड बैंक अकाउंट। तो अभी आपको अपना बैंक अकाउंट देखने को मिल रहा होगा। मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूं गाइस, अभी अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर ऑप्शंस मिल रहा है अपने बैंक अकाउंट का, और ये बैंक अकाउंट मेरी प्राइमरी बैंक अकाउंट भी है गाइस, लेकिन अभी हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, हमें बैंक अकाउंट इसमें नहीं रखना है गाइस। अगर आप अदर बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो यहां से इजीली कर सकते हो कि ऐड न्यू यूपीआई अकाउंट, तो आप अपने अकाउंट को यहां से ऐड कर पाओगे, लेकिन फिलहाल हमें अपने इस बैंक अकाउंट को ही रिमूव करना है गाइस यहीं से। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर थ्री लाइन देखने को मिल रही होगी, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं थ्री लाइन पर क्लिक करूंगा, और थ्री लाइन पर गाइस आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलता है। पहले है गाइस मैनेज यूपीआई आईडी, और दूसरे में है चेंज यूपीआई पिन। आप अपनी यूपीआई आईडी को मैनेज कर सकते हो और अपने पिन को चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें बैंक अकाउंट डिलीट करने वाला ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। तो फिर गाइस आपको दोबारा से नीचे स्क्रॉल कर लेना है, और यहाँ पर आपको अभी बैंक अकाउंट को डिलीट करने के लिए क्या करना है गाइस, कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलता है मोर ऑप्शंस, तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। मोर ऑप्शंस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अभी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप अपनी ब्लॉकेड यूपीआई आईडीज को देख सकते हो। उसके साथ में नीचे ऑप्शंस मिल रहा है कि डी रजिस्टर्ड अमेजोन पे यूपीआई। इसका मतलब है गाइस कि हम अपनी जो यूपीआई आईडी है उसको डी रजिस्टर करना चाहते हैं, जो भी हमारी यूपीआई आईडी अभी फिलहाल बन रही है उसे हम हटाना चाहते हैं। तो इससे होगा ये गाइस कि आपके जिस भी बैंक से वो यूपीआई आईडी बन रही होगी वो बैंक अकाउंट भी आपका अनलिंक हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से अनलिंक करना है गाइस, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी आपको डी रजिस्टर अमेजोन पे यूपीआई पर क्लिक करना है, आपसे कन्फर्मेशन पूछ रहा है, और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस में बता रखा है गाइस कि अगर आप अपनी अमेजोन पे यूपीआई को डिलीट करते हो तो उससे जो लिंक आपका बैंक अकाउंट है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो आपको यस डी रजिस्टर अमेजोन पे यूपीआई पर क्लिक करना है अपने बैंक अकाउंट को डिलीट करने के लिए। तो मैं सिंपली यहां पर यस डी रजिस्टर अमेजोन पे यूपीआई पर क्लिक करूंगा। आपकी जो यूपीआई आईडी है वो थोड़े टाइम प्रोसेसिंग लेगी, और आपकी जो यूपीआई आईडी है वो सक्सेसफुली डी रजिस्टर हो चुकी है, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल ही गया है गाइस। अभी हम बैक टू अमेजोन पे पर क्लिक करेंगे। अभी गाइस होगा ये कि आपकी जो अमेजोन पे की यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर डी रजिस्टर हो चुकी है। इसमें गाइस काफी यूजर्स के क्वेश्चंस होते हैं कि हम जो है अपनी अमेजोन पे यूपीआई आईडी को डी रजिस्टर कर देते हैं तो हमारी अमेजोन पे का बैलेंस चला तो नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो पहले जो मेरे अमेजोन पे का बैलेंस था वो बैलेंस मेरा वो का वही है गाइस, इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ है और ना ही मेरा बैलेंस जो है गाइस कटा है। तो आपको इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप अमेजोन पे यूपीआई को डी रजिस्टर करोगे या अपना नया बैंक अकाउंट लिंक करोगे तो आपका जो अमेजोन पे का बैलेंस है वो कम ज्यादा होगा गाइस, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। अभी अगर आप दोबारा से यूपीआई आईडी बनाना चाहते हो तो आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप इजीली बना पाओगे गाइस। आप देख सकते हो प्रोसेड करना है आपको और इजीली लिंक कर पाओगे। बस होगा ये गाइस इसमें कि आप जब भी दूसरी बार अपने बैंक अकाउंट को लिंक करोगे तो आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा और इसमें आपकी यूपीआई आईडी भी बन जाएगी। लेकिन हो सकता है गाइस कि आपका जो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट है उसमें थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। उसमें 24 आवर्स के लिए सिर्फ 5000 की ही लिमिट आपको देखने को मिलेगी, मतलब सिर्फ 5000 आप ट्रांसफर कर पाओगे गाइस किसी को भी। मैं यहां पर प्रोसेड करता हूं, आपको दिखाता हूं। यहां पर नंबर वेरीफाई होगा और यहां पर हमारे बैंक जो है गाइस ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हो प्रोसेसिंग ले रहा है, अपने अकाउंट यहाँ पर आ चुके हैं। हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर नीचे प्रोसेड करेंगे। उसके बाद में गाइस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि प्लीज नोट यू कैन ट्रांजेक्शन अप टू 5000 फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के लिए गाइस आप सिर्फ 5000 की ही लिमिट एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब ज्यादा की लिमिट आपकी फिलहाल जो है वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अभी हमने अपना नया जो अकाउंट है इसमें ऐड किया है, दोबारा से ऐड किया है। तो इस वजह से आपकी जो 24 आवर्स के लिए लिमिट है वो सिर्फ 5000 की ही रह जाएगी। तो आपको अभी प्रोसेड करना है,
और अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे आपको कंप्लीट कर लेना है। तो अभी हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारा जो बैंक अकाउंट है वो भी दोबारा से लिंक हो चुका है। तो इस तरह से गाइस आप अपने बैंक अकाउंट को डिलीट करके दोबारा से इसमें ऐड कर सकते हो। और बैंक अकाउंट डिलीट करने वाला ऑप्शन यही है गाइस कि आपको अपनी यूपीआई आईडी को भी डिरजिस्टर करना होगा, बस इसी तरह से आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ गाइस कि आज की वीडियो को देखने के बाद में आप अपने अमेजोन पे में अपने जो बैंक अकाउंट है उसको इजीली डिलीट कर पाओगे और उसे दोबारा से ऐड भी कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे।